नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSAVLE हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि सभी राशन डीलरों को CSAID दिया जाएगा, ऐसा सरकार का अनाउंसमेंट है। तो इस अपडेट के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे क्या राशन डीलरों को CSAID दिया जाना उचित है, क्या उन्हें CSAID दिया जाना चाहिए और क्या उनको CSAID मिलेगा, तो क्या वे लोग सभी काम CSA का सही से कर पाएंगे, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSA की पल पल की खबर मिलती रहती है तथा जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज़ का एक कटिंग है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार ने उचित मूल्य की दुकान से ई मित्र केंद्र को जोड़ने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। डीलरों की आय बढ़ाने और आमजन को नज़दीक की राशन की दुकान पर बैंकिंग दस्तावेज सहित अन्य सर्विस उपलब्ध कराने के मकसद से यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक राशन डीलर की CSAID खोली जाएगी और डीलर को VLE बनाया जाएगा। राशन डीलरों को CSA की सर्विस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और प्रत्येक सर्विस पर होने वाले आय के बारे में जानकारी दी जाएगी। अजमेर सहित अन्य जिलों में जल्द इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा अगर किया जाएगा तो क्या इससे किनको फायदा होगा, आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे तो अगर सभी CSA VLE को अगर ये काम दिया जाता तो ये काम सफल हो जाता। अगर राशन का टोटल काम VLE को दिया जाए तो वे सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे। लेकिन यह डीलर लोग को जब CSAID दिया जाएगा तो आप ही खुद सोचिए क्या वे लोग CSA काम कर पाएंगे। मेरे ख्याल से वे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डीलर लोग होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है और एक CSA भी दे दिया जाए तो कैसे सारे काम कर पाएंगे। और CSA में बहुत सारा काम होता है जो कि डीलर लोग के बस की बात नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी राशन से संबंधित बहुत सारा काम होता है, उसी काम में वे लोग परेशान होते हैं और एक CSA देकर के उनको और परेशान किया जाएगा। तो कहने का अर्थ है केवल सरकार उनको ID दे पाएगी वे काम नहीं कर पाएंगे, केवल ID नाम का दिया जाएगा वे लोग काम नहीं कर पाएंगे। काम तो करना होगा VLE को ही, जो CSA VLE हैं पहले से, जो CSA चला रहे हैं उन्हें भी काम करना पड़ेगा, भले नाम के लिए उनको ID दी जाए। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो काम है डीलर साहब लोगों का, जो जितना काम है उन्हें कुछ काम VLE को दिया जाना चाहिए, जैसे राशन कार्ड को आधार से जोड़ना, राशन कार्ड बनाना, ये सारी सर्विसेज VLE को दिया जाना चाहिए ताकि VLE कर पाए सफलतापूर्वक और लोगों को और ज़्यादा सुविधा मिल सके, क्योंकि राशन डीलर सारे काम अकेले नहीं कर पाते हैं और CSA ID भी दे दिया तब तो और परेशान हो जाएंगे। तो आप अपना मत दीजिएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा क्या राशन डीलर CSA ID लेकर सही सही काम कर पाएंगे, क्या उनके बस की बात है, आप जरूर बताएंगे, और क्या सरकार ऐसा करके अच्छा कर रही है, सब कुछ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और काम जो है मेरे ख्याल से VLE को ही मिलना चाहिए, जो भी राशन संबंधित कार्य है, क्योंकि ये लोग सफलतापूर्वक कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग ट्रेंड होते हैं, इनके पास कंप्यूटर का नॉलेज होता है, ये लोग पढ़े लिखे होते हैं और सब कुछ एग्जाम देके ये लोग कार्य कर रहे हैं, यानी ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, तो VLE को कोई भी काम दिया जाए तो आसानी से लोग कर लेंगे। लेकिन राशन डीलर जो होते हैं वे ट्रेंड नहीं होते हैं तो वे लोग काम नहीं कर पाएंगे, केवल ID उनको मिल पाएगी और वे काम नहीं कर पाएंगे। तो आप जरूर कमेंट में हमको बताएंगे क्या राशन डीलर को ID देना, CSA ID देना उचित है या नहीं, क्या VLE को राशन समेत काम मिलना चाहिए, जो भी हो आप जरूर कमेंट में बताएंगे और जरूर अपना राय देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय VLE साथियों।